गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी जोशी फ्रॉम गुरुकुल अकेडमी बम्बोरा। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। तेनाली रामा है उसका ज्वेल, मतलब जेवरात, जेवर होते हैं ना, उसका बॉक्स, ठीक है, जेवर के बॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तेनालीराम के। तेनालीराम हैड ए लार्ज गार्डन इन द हाउस। तेनालीराम के पास घर में एक बड़ा बगीचा था। द समर सीजन हैड सेट इन, बसंत की ऋतु आ गई थी। समर सीजन कौन सा होता है? बसंत की ऋतु, जब फूल खिलते हैं। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? जब बसंत की ऋतु, जब नए नए फूल खिलते हैं, है ना। तो ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन नीडेड वाटर, पेड़ और पौधों को बगीचे में पानी की ज़रूरत पड़ती है। बट ही वॉज टू बिजी टू गिव टाइम फॉर दिस, लेकिन जो तेनालीराम था वो इतना ज़्यादा बिजी था कि वो पेड़ पौधों को समय नहीं दे पा रहा था। ही वॉज स्टैंडिंग इन हिज गार्डन एंड थिंकिंग वॉट ही शुड डू, वो गार्डन में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि अब वो उसको क्या करना चाहिए। जस्ट देन तेनालीराम सॉ दैट टू मैन वर पिकिंग ओवर द बाउंड्रीज वॉल। तो तेनालीराम ने क्या देखा कि दो आदमी थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ छुप छुप के बाउंड्री थी वहाँ से देख रहे थे। पिकिंग का मतलब होता है छुप छुप के देखना, है ना, कुछ ऐसे जैसे कोई चोरी की नीयत से, या ऐसे टू लुक एट समथिंग सीक्रेटली, बहुत ही सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से देख रहे थे, है ना। एट फर्स्ट साइट ही न्यू डैट दे वर थीव्स, पहली नज़र में उसने क्या सोचा कि वे चोर हैं, है ना। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला, दे आर फॉर श्योर थीव्स, मुझे तो लगता है ये पक्का ही चोर हैं। दे मस्ट बी थिंकिंग ऑफ एंटरिंग द हाउस एंड स्टीलिंग थिंग्स, कि वो अपने मन में सोच रहा था कि ये ऐसा सोच रहे हैं घर में कैसे घुसा जाए और चोरी कैसे करी जाए, ठीक है। तेनालीराम थॉट आउट अ प्लान टू गेट इट हिज गार्डन वाटर्ड बाय द थीव्स। तेनालीराम ने क्या सोचा, ऐसा एक प्लान बनाया कि ये जो चोर हैं इनसे किस तरह से मैं अपने गार्डन में पानी दिलवा दूँ। ही कॉल्ड आउट हिज सन लाउडली एंड सैड, उसने अपने बेटे को ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा, सन, बेटा, देर आर मैनी थीव्स अराउंड दीज डेज, आजकल चारों तरफ बहुत चोर आ रहे हैं, सो वी मस्ट नॉट कीप द ज्वेल बॉक्स इन द हाउस, इसलिए हमें अपने जो जेवर का डब्बा है वो घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। समझ में आया, क्या समझ में आता है कि तेनालीराम था, अभी मैं इस पेज का एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ, जो तेनालीराम था वो इतना ज़्यादा बिजी था कि वो अपने गार्डन में पौधों को पानी नहीं दे पा रहा था। वो थोड़ी देर अपने गार्डन में खड़ा खड़ा सोचता है, सोचते सोचते वो क्या देखता है कि दो आदमी हैं वो घर की बाउंड्री से चुप चुप के झांक रहे हैं, है ना, कुछ देखना चाह रहे हैं। फिर वो क्या कहता है, उसे लगता है कि ये तो चोर है, तो वो अपने, उसने एक प्लान बनाया, क्या बनाया कि मैं इन चोरों के जरिए अपने पौधों को पानी दिलवाता हूँ। कैसे दिलवाता हूँ? तो वो अपने बेटे को आवाज़ लगाता है प्लान बनाकर कि बेटा आजकल चोर बहुत आ रहे हैं और हमें अपने घर के अंदर जो जेवर का डब्बा है वो नहीं रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज, व्हाट शुड वी डू देन, आस्क द सन, बच्चा बोलता है कि तब हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक दिस ड्राइड वॉल इन द बेस्ट प्लेस टू कीप द ज्वेल बॉक्स। अब वो क्या कहता है, आई थिंक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो सूखा हुआ जो कुआ है, वेल यानी कुआ, ड्राइड मतलब सूखा हुआ कुआ मतलब उसके अंदर पानी नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो सूखा हुआ कुआ है ये बेस्ट प्लेस है जेवर का डब्बा रखने के लिए, ठीक है। ब्रिंग दैट ज्वेल बॉक्स एंड थ्रो इट इन टू दिस वेल। तो वो अपने बेटे को क्या कहता है, जाओ जेवर का डब्बा लेकर आओ, इसको अपन इस कुएं में छुपा देते हैं, डाल देते हैं। तेनालीराम वेंट इन टू द हाउस विथ हिज सन। तेनालीराम है वो अपने बेटे के साथ घर के अंदर गया। ही एक्सप्लेन टू हिम हाउ ही वॉन्टेड टू गेट हिज गार्डन वाटर्ड। फिर वो अपने बेटे को सारी बात बताता है जो उसने प्लान सोच रखा होता है कि किस तरह से मैं गार्डन में इन चोरों के द्वारा पानी दिलवाऊंगा। इन द हाउस ही टुक आउट द ज्वेल बॉक्स फ्रॉम द कबर्ड। घर के अंदर से कबर्ड में से उन्होंने, अलमारी में से
जो जेवर का डब्बा है वो निकाला, एमटाइड इट ऑफ ऑल ऑर्नामेंट्स, एमटाइड का मतलब होता है सारे जेवर निकाल लिए, खाली कर दिया, मतलब उस डब्बे को खाली कर दिया जिसमें जेवर, जो जेवर भरे हुए थे, इन जेवर को सबको निकाल दिया उस डब्बे में से, एंड फिल्ड इट विथ स्टोन, और उसके अंदर क्या भर दिए, पत्थर भर दिए। ही देन बॉट इट आउट एंड थ्रू इट इन टू द वेल, और वो उस डब्बे को लेकर आया घर घर से बाहर और उस कुएं के अंदर डाल दिया। देन दे वॉकड इन टू द हाउस टॉकिंग लाउडली हाउ द ज्वेल बॉक्स वॉज सेफ इन द वेल, अब वो जोर जोर से घर के अंदर बातें करते हुए जाते हैं, क्या बोलते हुए जाते हैं कि अब तो हमारा जो जेवर का डब्बा है वो बिल्कुल सेफ जगह पे पहुंच गया है। ठीक है, द टू थीव्स हैड सीन एंड हर्ड ऑल दिस, अब जो वो दोनों चोर थे उन्होंने सब कुछ सुना और सब कुछ देखा। ठीक है, देयर आइज इज शोन विथ ग्रीड, अब उनकी आंखों में क्या थी, लालच भरी भावना थी, अब उनको लालच आ गया था कि अरे यार ये जेवर का जो डब्बा है ये तो कुएं से हमें निकालना ही पड़ेगा। दे वेटेड फॉर डार्क टू सेट इन, अब वो और ज़्यादा अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। एट मिडनाइट, आधी रात को, दे जम्प्ड ओवर द बाउंड्री वॉल एंड एंटर्ड द वेल, आधी रात को क्या किया, वो बाउंड्री वॉल यानी कि जो घर के चारों तरफ दीवार होती है बाउंड्री वॉल को कूद कर कुएं के तरफ गए। इट वॉज नॉट अ ड्राई वेल, ये जो कुआ था वो सूखा नहीं था, इट हैड वाटर, उसमें पानी था। दे कुड नॉट रीच द बॉक्स विदाउट एम्प्टिंग आउट वाटर, अब वो उस बॉक्स तक नहीं पहुंच सकते थे जब तक कि वो उस कुएं को खाली ना कर दें। ठीक है, क्या समझ में आया कि कुआ सूख, जब वो कुएं के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो कुआ है वो, ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुएं के पास वो लोग गए, उन्होंने क्या देखा कि कुएं में तो पानी है बहुत सारा, सूखा तो है ही नहीं कुआ, तो उन्होंने क्या सोचा, बॉक्स तक हम कैसे पहुंचेंगे जब तक कि हम इस पूरे कुएं को खाली नहीं करेंगे। सो दे स्टार्टेड टू एम्प्टी इट यूजिंग द बकेट, अब बाल्टियों से वो उस कुएं को खाली करने लग गए। दे वर्कड हार्ड ऑल नाइट, पूरी रात उन्होंने काम किया, क्या काम किया, कुएं को खाली करने का। दे कुड रीच द ज्वेल बॉक्स ओनली इन द मॉर्निंग, अब जब सुबह हुई तब वो उस ज्वेल यानी जेवर का जो डिब्बा था उसके पास तक पहुँचे। अंटिल देन ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स गॉट अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, जब तक सुबह जब तक वो पहुँचे उसके पास तब तक क्या हुआ कि सारे पेड़ पौधों को खूब सारा पानी मिल गया। डिलाइटेड ऑल देयर सक्सेस द थीव्स जम्प्ड ओवर द बाउंड्री वॉल, देयर दे ओपन द ज्वेल बॉक्स, और डिलाइटेड मतलब खुशी के मारे उनको सफलता मिल गई, उनके हाथ क्या लग गया, जेवर का डब्बा, खुशी के मारे कि अरे भाई हमें तो ये जेवर का डब्बा मिल गया है, और चोर क्या हुआ, बाउंड्री जो थी चार दीवारी उसको जंप करके दूसरी तरफ चले गए। देयर दे ओपन द ज्वेल बॉक्स, वहाँ उन्होंने वो जेवर का डब्बा खोल के देखा। दे वॉन्टेड टू सी द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क, वो क्या देखना चाह रहे थे कि हमने जो इतनी कड़ी मेहनत करी है उसका फल क्या मिला। बट ओ नो, जैसे उन्होंने खोला बोले ओ नो, अरे नहीं, देयर वर ओनली स्टोन इन इट, इसके अंदर तो केवल पत्थर है। दे नाउ न्यू ऑल दे हैड बीन बी फॉलोड बी फूल्ड, देयर वर नो स्टोन इन इट, दे नाउ न्यू, तब वो जान गए डैट दे हैड बीन बी फूल्ड, कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। कर्सिंग themselves, अपने आप को कोसते हुए, दे वॉकड अवे, वो चले गए। वाइल तेनाली राम लुकड एट दैम विद अ स्माइल ऑन हिज फेस फ्रॉम बिहाइंड द बुश, और तेनाली राम झाड़ियों के पीछे छुप कर उनकी तरफ बड़ी मुस्कुराहट से देख रहा था। ठीक है, समझ में आया आपको ये चैप्टर। नाउ डू एक्सरसाइज। तेनाली राम्स हाउस हैज अ लार्ज, क्या था तेनाली राम के घर में, गार्डन। तेनाली राम वाज तेलानी राम सॉ, क्या देखा तेनाली राम ने, क्या देखा, टू मैन टू वुमेन टू सैंड टू मैन। तेनाली राम थॉट आउट ऑफ अ प्लान टू गेट इज गार्डन वाटर्ड बाय द थीव्स, किसके को क्या चाह रहा था कि ये चोर उसके गार्डन में पानी दे दे, उसी का प्लान बना रहा था। तेनाली राम फिल्ड द ज्वेल बॉक्स विथ
तेनाली राम ने जो ज्वेल बॉक्स था उसको किससे भरा? स्टोन से, पत्थर से भर दिया था। ठीक है, नाउ व्हाट डिड तेनाली राम हैव इन हिज गार्डन? तेनाली राम के गार्डन, घर में क्या था? गार्डन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है वन वर्ड के। व्हाट डिड तेनाली राम हैव इन हिज हाउस? तेनाली राम के घर में क्या था? तो लार्ज गार्डन। क्या था? लार्ज, LARGE, लार्ज गार्डन, बड़ा गार्डन था। हाउ मैनी मैन वर्क पिकिंग फ्रॉम द वॉल? दीवार से कितने लोग झांक रहे थे? टू मैन, TWOMEN, टू मैन। हुम डिड तेनाली राम कॉल्ड लाउडली? तेनाली राम ने किसको जोर से आवाज लगाई? हिज सन, उसके बेटे को आवाज लगाई थी ना कि बेटा अपने घर में जेवर का जो डब्बा है वो सेफ नहीं है क्योंकि आजकल चोर बहुत आ रहे हैं, तो हिज सन। वैन कुड द थीव्स रीच द ज्वेल बॉक्स? चोर है वो जेवर के डब्बे तक कब पहुँचे थे? इन मॉर्निंग, सुबह पहुँचे थे ना, इन MORNING, इन मॉर्निंग। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन नीडेड। ट्रीज और प्लांट को गार्डन में क्या, किसकी जरूरत थी? वाटर। क्या करेंगे? WATER, वाटर। तेलानी राम वेंट इन टू द डैश विथ हिज सन। तेलानी राम था वो अपने बेटे के साथ कहाँ कहाँ गया? अंदर हाउस में, HOUSE। तेनाली राम एम्प्टीड ऑल डैश इनसाइड द ज्वेल बॉक्स, है ना, तेनाली राम ने सब कुछ खाली कर दिया ज्वेल बॉक्स से। क्या खाली किए थे? ऑर्नामेंट, दिख नहीं रहा आपको, ऑर्नामेंट, ORNAMENT, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब जेवर। डिलाइटेड ऑल देयर सक्सेस द थीव्स जंप ओवर द, खुशी सफलता की खुशी में चोर क्या जंप करके गए? बाउंड्री वॉल, BOUNDARYWALL, बाउंड्री वॉल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन आंसर क्या? ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्प्रिंग सीजन वॉज गोइंग ऑन, स्प्रिंग सीजन चल रहा था, बसंत ऋतु चल रही थी, येस ट्रू। द टू मैन वर पिकिंग फ्रॉम द विंडो, विंडो से झांक रहे थे क्या? नहीं, कहाँ से झांक रहे थे? वॉल से, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तेनाली राम टुक आउट द ज्वेल बॉक्स फ्रॉम द कबर्ड, तेनाली राम ने जो ज्वेल का डब्बा था, जेवर का डब्बा था, वो कबर्ड से निकाला, बिल्कुल कबर्ड से ही निकाला था, तो ट्रू हो गया। तेनाली राम लुक्ड एट थीव्स फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज, तेनाली राम चोरों को पेड़ के पीछे से देख रहा था, पेड़ के पीछे से देख रहा था क्या? ट्रीज के पीछे से नहीं देख रहा था वो, बुशेज, झाड़ियों के पीछे से देख रहा था, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, आया समझ में? अभी देखिए, मेक सेंटेंस, आई विल सेंड यू, मैं आपको भेजूंगी क्वेश्चन आंसर, मैं आपको भेजूंगी ये। आपको क्या करना है, चैप्टर को 3 times रीड करना है, वर्ड मीनिंग आपको सेंड किए जाएंगे, मेक सेंटेंसेस करने हैं आपको कॉपी में, वर्ड मीनिंग, मेक सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।